जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति प्रेरणा पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रयागराज माघ मेला 2022 की, उसकी सारी अपडेट बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं प्रयागराज मेला की अपडेट्स। दोस्तों प्रयागराज माघ मेला 2022 में आने वाले कल्पवासियों की सुविधा का खास प्रबंध किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। माघ मेला क्षेत्र में एक माह तक कल्पवास करने श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुविधा के लिए शिविर बनाया जाता है। कल्पवासियों के लिए हेल्थ रजिस्टर बनाया जाएगा। वहीं मेले के दौरान दो हेल्पलाइन चलाने पर भी विचार किया जा रहा, साथ ही मेला ऐप भी बनाने की तैयारी चल रही है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने पर कमिश्नर ने जोर दिया है। माघ मेले की तैयारी को लेकर कमिश्नर संजय गोयल ने ICCC सभागार में बैठक की। उन्होंने सभी विभागों की ओर से कराए जा रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन और कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन पर विशेष ध्यान दें। मेले में कार्यरत सभी विभागीय अधिकारी, कर्मचारियों और श्रमिकों को वैक्सीनेशन की डबल डोज लगवाने को कहा गया है। दोस्तों कमिश्नर ने कहा कि मेले में आने वाले कल्पवासियों का हेल्थ रजिस्टर बनाया जाए। इसमें सभी कल्पवासियों की जानकारी के साथ साथ उनका आधार नंबर और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि वह एक टीम का गठन करें जो सिर्फ मेले के लिए काम करे। कमिश्नर ने मेले के दौरान दो हेल्पलाइन चलाने के सुझाव दिए हैं, जिस पर अपनी समस्या के निस्तारण के लिए लोग फोन करके मदद ले सकेंगे। इससे पहले ऐसी सुविधा सिर्फ कुंभ मेले के दौरान दी गई थी। कमिश्नर ने कहा कि संस्थाओं, श्रद्धालुओं और कल्पवासियों को मेले संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मेला ऐप बनाया जाए। इसमें माघ मेले एवं कुंभ मेले संबंधित सभी जानकारी के साथ साथ हर वर्ष मेला क्षेत्र का मैप भी उपलब्ध कराया जाए। कौन सी संस्था की बसावट किस जगह पर की गई है तथा कौन सी दुकान व शौचालय कितनी दूर पर है, इसकी भी जानकारी इस ऐप के जरिए मिल सकेगी। इन सभी कार्यों की जिम्मेदारी मेलाधिकारी को दी गई है। संगम और किला क्षेत्रों की पट्टी दुकानदारों को माघ मेला में दुकानें लगाने के लिए प्रत्येक सेक्टर में वेंडिंग जोन बनाने की मांग की गई है। इसके लिए मेलाधिकारी शेष मणि पांडे को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व कर रहे नेशनल हॉकर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री श्री रवि शंकर द्विवेदी ने कहा कि दुकानदार वर्षों से मेला क्षेत्रों में रोजगार कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते आ रहे हैं। यह दुकानदार परंपरागत रूप से माला, फूल, नारियल, चुनरी, प्रसाद आदि बेचते हैं। कुंभ मेला की तरह माघ मेला में भी वेंडिंग जोन बनाकर पटरी दुकानदारों को बसाया जाए। दोस्तों जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम लोगों की मोबाइल लत को छुड़ाने और इससे होने वाली मानसिक तनाव को दूर करने के लिए प्रयासरत है। टीम मेला क्षेत्र में अस्पतालों व 20 स्थानों पर अपने कैंप लगाएगी। इस कैंप में लोगों को फल, मिष्ठान आदि प्रसाद बांटा जाएगा। इस प्रसाद के साथ साथ कैंप में लोगों को मानसिक तनाव व अवसाद दूर करने के टिप्स भी दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये तो रही माघ मेला की जानकारी। आशा है आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाएँ। अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।